यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जो गॉस सीडल मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो ये डायग्राम है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वाई बस, उसके बाद में वोल्टेज एट बी बस बी टू एंड थ्री। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें जनरेटर का पावर, रिएक्टिव पावर, लोड का पावर और रिएक्टिव पावर और वोल्टेज दिया हुआ है, बस वोल्टेज। तो सबसे पहले हम वाई बस फाइंड करेंगे, वाई बस। तो वाई बस कैसे फाइंड होगा कि सबसे पहले वाई वन वन फाइंड करते हैं। तो वाई वन वन जो नोड है, ये वन नोड है, उसके साथ कितने नोड कनेक्ट है, दो नोड कनेक्ट है, माइनस जे फोर माइनस जे थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जे सेवन। ओके, उसके बाद में वाई टू टू हम लेते हैं। तो वाई टू टू मीन्स नोड टू के साथ कितने नोड कनेक्ट है, जे थ्री और जे फाइव, दो ब्रांच कनेक्ट है, माइनस जे थ्री माइनस जे फाइव, ये कितना हो जाएगा, माइनस जे एट। और थर्ड नोड है वाई थ्री थ्री के साथ, कौन सी ब्रांच कनेक्ट है, जे फोर जे फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जे नाइन। ओके, अब वाई वन टू इक्वल टू वाई टू वन होगा। तो वाई वन टू मीन्स वाई वन वन और टू नोड के बीच में कौन सा नोड कनेक्ट है, जे थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले माइनस लिखेंगे, माइनस जे थ्री, ये क्या हो जाएगा, जे थ्री। उसके बाद में वाई टू थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री टू, उसके साथ में कौन सा नोड कनेक्ट है, टू थ्री, टू और थ्री के बीच में, जे फाइव, माइनस इंटू माइनस जे फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, जे फाइव। एंड वाई थ्री वन इज इक्वल टू वाई वन थ्री, थ्री और वन के बीच में जे फोर कनेक्ट है, माइनस इंटू माइनस जे फोर, तो ये कितना हो जाएगा, जे फोर। ओके, जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे सेवन जे थ्री जे फोर जे थ्री माइनस जे एट जे फाइव जे फोर जे फाइव एंड माइनस जे नाइन। अब हम बस पावर फाइंड करते हैं। कैलकुलेट बस पावर। तो बस पावर फाइंड करने के लिए कौन से बस पावर फाइंड करना है, एट बस टू। ओके, बस टू के ऊपर पावर फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, पी टू इज इक्वल टू पी जी माइनस पी एल डिवाइडेड बाई एम वी ए, बेस ये फॉर्मूला है। तो पी जी कितना है, 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाई एम रेड एम वी ए बेस है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.25 पर यूनिट। और क्यू टू कितना होगा, क्यू जी माइनस क्यू एल डिवाइडेड बाई एम वी ए बेस, तो क्यू जी कितना है, फिफ्टीन और 25 माइनस 25, सॉरी यहाँ पे 50 आएगा, डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.10 पर यूनिट। नाउ एट बस थ्री। ओके, तो बस थ्री मीन्स पी थ्री इज इक्वल टू पी जी माइनस पी एल एट डिवाइडेड बाई एम वी ए, तो पी जी कितना है यहाँ पे जनरेटर का, ज़ीरो, माइनस लोड का कितना है, 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना होगा, माइनस 0.60 पर यूनिट। अब क्यू थ्री फाइंड करते हैं, क्यू थ्री इज इक्वल टू क्यू जी माइनस क्यू एल डिवाइडेड बाई एम वी ए बेस,
तो क्यू जी कितना है, 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो जाएगा माइनस 0.30 पर यूनिट। ओके, अब हम वोल्टेज फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गॉस सीडल मेथड, इटरेटिव मेथड से, टेक्निक से। तो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, इस मेथड के इक्वेशन के ज़रिए से हमें वोल्टेज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, V1 कितना है, V1 इज़ इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1.02, एंगल कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा 1.02 एंगल 0। अब V के 0 मीन्स 2, 3 फाइंड करना है फॉर 1 एंगल 0 फॉर K इक्वल टू 2, 3। ओके, 3 तक हमें फाइंड करना है। नाउ वोल्टेज एट बस B2, वोल्टेज एट बस 2, तो ये कितना होगा V2 1 इक्वल टू, यहाँ पे y के तो हम क्या लिखेंगे y 2 2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस JQ2 डिवाइडेड बाय V2 माइनस y 2 1। यही फॉर इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे, k की जगह क्या पुट करेंगे 2, y 2 1 V1 माइनस y 2 3 V3 0। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, y 2 2 कितना है, हमने फाइंड किया था y 2 2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस J8, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में फाइंड किया है, डिवाइडेड बाय P2 भी फाइंड किया है, P2 कितना आ रहा है माइनस 0.25, और Q2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 0.10, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हमने फाइंड किया हुआ है P2 Q2 P3 Q3। ओके, डिवाइडेड बाय V2 कितना है, हम लेंगे यहाँ पे 1 एंगल 0। ओके, माइनस Y21 की वैल्यू क्या है J3, V1 कितना है 1.02 एंगल 0 माइनस J5 1 प्लस J0। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय माइनस J8, इसको हम सॉल्व करते हैं माइनस 0.25 प्लस J0.1 माइनस J3.06 माइनस J5, ये कितना हो जाएगा 1 बाय माइनस J8, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस 0.25 माइनस J7.96, तो ये हमारा आंसर आएगा 17.9039 एंगल माइनस 91.79 डिवाइडेड बाय 8 एंगल माइनस 90, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो कितना मिल जाएगा 0.995 एंगल माइनस 1.799। ये पोलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर में क्या आंसर आएगा 0.995 माइनस जे 0.03। ओके, अब हमें फाइंड करना है डेल V21। डेल V21 क्या होगा, V21 माइनस V2 ऑफ 0, तो V2 ऑफ 1 कितना आया हमारा, ये 0.995 माइनस 0.0312 माइनस V2 कितना है 1 प्लस J0, तो ये कितना हो जाएगा 0.005 माइनस जे 0.0312। अब हमें फाइंड करना है द एक्सेलरेटेड वैल्यू
वैल्यू, तो एक्सेलरेटेड वैल्यू कितना होगा, वी टू एक्सेलरेटेड इज इक्वल टू वी टू ज़ीरो प्लस अल्फा डेल वी टू ऑफ वन। तो अल्फा मीन्स एक्सेलरेटेड वैल्यू, और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ एक्सेलरेटेड वैल्यू कितनी है, 1.6। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 1 + j0 प्लस 1.6 इंटू -0.005 -j0.0312 विच इज़ इक्वल टू, ये कितना आएगा हमारा आंसर, 0.992 -j0.0499। ओके, अब हम फाइंड करते हैं वोल्टेज एट बस 3। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, V3 इज इक्वल टू 1/Y33 इन ब्रैकेट P3 -JQ3 डिवाइडेड बाय V3 -Y31V1 -Y32V2। तो हम Y33 की वैल्यू पुट करते हैं, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था, उसकी वैल्यू क्या है, -J9 डिवाइडेड बाय P3 की वैल्यू क्या है, -0.6 प्लस J0.3 डिवाइडेड बाय 1 + j0 -J4 इन ब्रैकेट V1 कितना है, 1.02 प्लस J0 -J5 Y33 की वैल्यू, Y32 की इन ब्रैकेट V2 कितना है, 0.99 -0.0499। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 1 -J9 इन ब्रैकेट -6 प्लस J0.3 -J4.08 -J4.96 -0.2495। So answer will be 1 -J9, solving this we get -08495 -J8.74। So final answer will be 8.781 angle 95.55 divided by 9 angle 90 which is equal to 0.959756 angle -5.55। okay, and converting into rectangular form we get 0.971 -j 0.0943. now del v3 equal to v3 -v0 v30 equal to 0.971 -j 0.0943 -1 + j0 which is equal to -0.029 -j 0.0943। now accelerated value of v3 is v3 plus 1.6 acceleration factor value into del v3 equal to 1 + j0 plus 1.6 -0.029 -j 0.0943 which is equal to 0.9536 -j 0.1509। so this is the voltage at end of first iteration. Okay, this is how we have to find by using Gauss Seidel method. Okay, so value of v1 is equal to 1.02 plus j0, it is given. We have find v2 is equal to 0.992 -j 0.0499
and V3 we have find 0.9536 minus j 0.1509. okay.